शुजालपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक छात्रावास चल रहे हैं राम भरोसे, सारे नियमों की खुलकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। जी हां, शुजालपुर में छात्रावास के वार्डन की मनमानी के चलते छात्रावास में रह रहे बालकों को नहीं मिल रहा है एक महीने से खाना, खुद बच्चों को बनाना पड़ रहा है खाना। आपको बता दें कि बालकों का कहना है कि वार्डन कहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि मैस बंद करने का। आपको एक बात और बता दें कि शुजालपुर में अकोदिया नाके के पास बना बालक छात्रावास के हालात इतने बुरे हैं कि बच्चों के रूम में पंखे तो लगे हैं पर वह भी महीनों से बंद पड़े हैं। लाइट की फिटिंग है लेकिन बोर्ड और बल्ब ट्यूबलाइट का पता नहीं है, केवल होल्डर लटकते नजर आते हैं। वहीं जो बाथरूम नलों में टोंटी नहीं है, जुगाड़ की टोंटी लगा रखी है जिससे पूरे दिन रात पानी निकलता ही रहता है। वहीं छात्रावास की सफाई के लिए जो सफाईकर्मी रखा है वहां भी पूरे दिन आराम फरमाता रहता है। जब मीडिया की टीम हॉस्टल पहुंची तो बच्चों के कमरों के सामने गंदगी पसरी पड़ी थी और मीडिया को देखकर सफाईकर्मी सफाई करने लगा। वहीं छात्रावास के वार्डन का फोन लगाया तो पहले तो कहा कि मैं घर पर हूँ और मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब वार्डन नहीं आया तो सफाई कर्मी से फोन लगवाया तब वार्डन कहने लगा कि मैं बाहर हूँ, डाक देने आया हूँ। अब देखना यह है कि क्या खबर के बाद भी नेताजी और अधिकारियों की नींद खुलती है या नहीं। वहीं क्षेत्रीय विधायक जसवंत सिंह हाडा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 23 जुलाई को छात्रावास उत्सव मनाया था और हमने जिला अधिकारी को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अधिकारी निशा मेहरा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब यही है कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। मैं छात्रावास जाकर व्यवस्था देखूंगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। शुजालपुर से अविनाश चोरड़िया की रिपोर्ट।